बाजार लक्ष्मी नगर में इंक्रोचमेंट तोड़ने के ऑर्डर हुए हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद संतोष पाल ने कराए, लेकिन वो इंक्रोचमेंट ना तोड़ के लोगों की बिल्डिंगें और घर तोड़ रहे हैं, जो कि नाजायज है। और क्षेत्र के अंदर ऐसी 168 बिल्डिंगें बन रही है, जो आप पीछे देख रहे हैं, आप देखिए अपने कैमरे में, जो कि नाजायज है, लेकिन उन्हें ना रोका जा रहा ना तोड़ा जा रहा, क्योंकि वहां से निगम को पैसा जाता है। निगम अधिकारी और निगम पार्षद सब मिले हुए हैं, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्टाचारी है। संतोष पाल की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, किस तरह से आप क्यों आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, हालांकि ये तो कोर्ट के ऑर्डर है। नहीं नहीं नहीं, जो ऑर्डर हमारे पास आए, हमारे बाजार के हुए हैं, वो डीसी साहब ने करे हैं, और वो इंक्रोचमेंट के करे हैं, ना कि बिल्डिंग तोड़ने के। अगर ऐसे देखोगे तो आप पूरा जमुना पार अवैध है, सारा तोड़ो, मैन बाजार ही क्यों तोड़ा गया, बाजार के ही छज्जे क्यों तोड़े जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट का मतलब है सड़क के ऊपर रेड़ी पटरी, किसी की डबी रखी है, फालतू सामान रखा है, वो इंक्रोचमेंट है। किसी के कमरे तोड़ना इंक्रोचमेंट नहीं है। या जो ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आप देखिए, इंक्रोचमेंट का ऑर्डर बकायदा ये लिखा हुआ है एमसीडी का। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? ये बकायदा जो ऑर्डर कर रखे हैं वो इंक्रोचमेंट के कर रखे हैं। ये देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, इंक्रोचमेंट के ऑर्डर है, ना कि ये बिल्डिंग नाजायज, ये बिल्डिंग बिल्कुल नाजायज नहीं है। ये 54 की रजिस्ट्री है जो हम लोगों के पास है, उसमें साफ साफ 33 फुट लिखा हुआ है। 33 फुट जब रोड गवर्नमेंट से हमें अलॉटेड है, तो इसका मतलब क्या है? ये 60 फुट 80 फुट का क्या मतलब है? कभी आज तक ये 60 फुट 80 फुट थी ही नहीं, 54 से की रजिस्ट्री है। और अगर हमें ये 53/121 के प्लॉट अलॉट कर रखे हैं, तो इसको हम कहाँ से तोड़े? जबकि ये खुद ही 117 गज में बने हुए हैं ये लोग, और यहाँ 123 गज में अलॉट कर रखे हैं ये प्लॉट। समस्या सर इतनी बड़ी है कि हम लोग इसलिए शांत बैठ गए थे कि एनकरेजमेंट वर्ड यूज हुआ है, मार्केट की जो फालतू दुकानें बनी है, एक्स्ट्रा आगे जो बढ़ावा हुआ है, जो इन सबको तोड़ा जाएगा। कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हमारे मकानों को आगे तोड़ा जाएगा, बच्चे सोए पड़े हैं वहाँ, मकान टूट जाएंगे खड़े खड़े। मतलब दिस इज टू मच, दे शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनकरेजमेंट। क्या लगता है इनको इनको ये हमें इनको हमें आराम से समझाएं, हमें नोटिस दें, हम थोड़ा सा देखते हैं क्या करने का है। मतलब हमें कुछ समझाएं तो सही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। आपकी भी दुकान तोड़ी गई? हाँ, सामने घर है, घर तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि क्या है। जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं वो लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? वहाँ तो नाजायज था, वहाँ 10 फुट, वहाँ तो उन्होंने 10 फुट, एक मिनट, वहाँ तो 10 फुट उन्होंने घेरा हुआ था, 6 फुट 8 फुट 10 फुट 12 फुट घेरा हुआ था। वो तो चलो चौड़ी सड़क हो गई, एनक्रोचमेंट हटा, लेकिन मकानों के अंदर कौन सा है? हमने तो आधा इंच नहीं बढ़ाया। अभी तो आपके आपका मकान नहीं तोड़ा गया है, कल आया, अभी शाम को आना था। ये तो आपसे बात ना, ये तो आपसे बात नहीं करते, तो आना था उन्होंने तोड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट ही है। मैंने कहा सर हमें तो पता लगा कि आपने पीछे मकान भी तोड़ दिया, एक लाइन से चल रहे हैं, बिना सोचे एक लाइन से चल रहे हैं, एक लाइन से। इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट की रोड 33 फुट जो हमारी शॉप्स के आगे है, तो आज की डेट में भी 33 फुट है। फिर हमने नाजायज कहाँ से क्या करा? नाजायज कोई भी जगह हमने नाजायज नहीं करी। उनको अगर टाउन प्लानर को अगर जगह चाहिए तो वो जगह लेके हमारे को उसके बदले मुआवजा दे, कोई कंपोजेशन दे, कोई टाइम दे कि भी हमारे को इतनी जगह चाहिए, हमारे को दो, बाई लॉ करे जो भी करे। ये नहीं कि आए आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारे तो हाथ खड़े हैं, जो करना कर लो, हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या रणनीति होगी? हम किसे लड़ थोड़ी सकते हैं? हम तो हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। सरकार से लड़ थोड़ी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी कर रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं उनको कम से कम प्रॉपर टाइम दें, उनको नोटिफाई करें कि आपका इतना एरिया हम लेना चाहते हैं, इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं, या हम इसको कब्जा करना चाहते हैं वापस। हम लोगों को कोऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि कितना लैंड एक्स्ट्रा है हमारे पास, ताकि हमें टाइम मिले, हम उस चीज़ को खुद रेक्टिफाई कर सकें। अगर हमें टाइम देंगे हम उसको खुद सुधारेंगे, अगर हम नहीं सुधार सकते हैं तो गवर्नमेंट आगे एक्शन ले। कम से कम बच्चों को, लेडीज को, दुकानदारों को टाइम तो दें उस चीज़ से निपटने के लिए। ये कोई मतलब नहीं है कि आए और जंगल राजा हम तोड़ देंगे सीधा, ये कहाँ का कोई इंसाफ हुआ? हम लोग किसी जंगल भी नहीं रह रहे हैं, वी आर ऑल सिविलाइज, वी हैव राइट, राइट? तो हमारा राइट, हमसे राइट क्यों छीना जा रहा है हमारा? ठीक है।